सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने दिवाली के शुभ अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं हृदय से प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल अयोध्या धाम पहुँच करके दीपोत्सव का जो उद्घाटन किया है, पूरे देश और दुनिया ने अपनी नजरों से देखा है, अद्भुत दृश्य था। दीपावली के एक दिन पूर्व अयोध्या के किलोमीटर तक घाटों पर दिए ही दिए दिख रहे थे और उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने खाते में दर्ज किया है और उसका सर्टिफिकेट आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मिला। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को तत्काल सौंपा। उसे प्रदेशवासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्त करता हूँ और प्रदेशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत दीपावली के इस पाँच दिवसीय त्यौहार पर देशवासी प्रदेशवासियों की बात करें ले, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ये हमारे त्यौहार लोगों की नज़र में नशे के त्यौहार हो गए और सही भी है। दीपावली के त्यौहार में लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो ये त्यौहार पूरी तरीके से गड़बड़ा गया, जबकि ये हर्षोल्लास के और खुशी के त्यौहार हैं। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार का नशे न करें इस त्यौहार में और जुआ भी ना खेलें। जुआ मुक्त और नशा मुक्त दीपावली के पाँच दिवसीय त्यौहार को मनाएं। सभी बहनों से भी अपील करना चाहता हूं, महिलाओं से, कि जो वो भैया दूज के दिन जाती हैं, अपने भाइयों से तिलक लगा करके संकल्प कराएँ, वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, ताकि उनका परिवार ठीक रहे, शुद्ध रहे। इसके अलावा मैं सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, मीडिया कर्मियों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। साथ में मैं अपील करता हूं कि नशे के अंधेरे के खिलाफ एक दिया जरूर जलाएं। और मैं इस बात के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब अगली दिवाली आए तब तक मेरे प्रदेश और क्षेत्र के लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका भी निस्तारण हो और प्रदेश योगी और मोदी के नेतृत्व में अति ऊंचाई। अयोध्या में आकर दीपोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए तो सबसे तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो माननीय प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गया था। सर पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा था वहाँ का? मुझे लगता है कि अलौकिक, अद्भुत, अविस्मरणीय, अवर्णनीय, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, इस तरीके का माहौल अयोध्या में कल था। मुझे लगता है कि लोग कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि ये अयोध्या है कि सिडनी है। जो मैंने वहाँ का माहौल दृश्य देखे मैंने वहाँ पे, और प्रधानमंत्री का जो निर्धारित समय था, जितने समय उनको वहाँ रुकना था, लेकिन इतनी भव्यता थी कार्यक्रम के अंदर, इतना बड़ा जनसमूह था और जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हुआ था उसके कारण वो अपने समय से और भी ज़्यादा रुके, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यक्रम शुभ अवसर है। और कल अयोध्या में बहुत भव्य आयोजन हुआ, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी आए। सर पूरा कैसा रहा अनुभव और कैसा इतना भव्य आयोजन था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सभी को मेरा जय श्री राम और दीपावली के इस पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ भगवान गणेश जी से, लक्ष्मी जी से, वे सभी को सुख समृद्धि, वैभव और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और दीपावली शुभ हो। साथ ही साथ हम पर्यावरण का ध्यान भी रखें और ये प्रयास रहे कि प्रदूषण को भी बचाने का काम हमारी जिम्मेदारी है। अयोध्या की बात आप कर रहे हैं तो अयोध्या दीपावली का पर्व भगवान राम के शुभागमन पर होता है और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धे योगी जी का यह प्रयास रहा कि जैसे भगवान राम उस समय आए होंगे और अयोध्या का श्रृंगार हुआ होगा, वैसे ही अब श्रृंगार होना चाहिए और उस कार्य में हम सफल हुए हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धे नरेंद्र भाई मोदी ने कल आकर पूरे देशवासियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया और कल
दीपोत्सव के माध्यम से एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया, जहां पर दीप प्रज्वलन हुआ, अयोध्या का श्रृंगार हुआ, अयोध्या सजी और अयोध्या को सजी हुई अयोध्या को पूरी दुनिया के लोगों ने देखने का अनुभव प्राप्त किया। यही हमारी सनातन संस्कृति है, जहां हम अपने इष्ट और अपने आराध्य का पूजन करते हैं, और जो बहुत पहले वो सैकड़ों वर्ष पहले होना चाहिए था नहीं हो पाया, उसे अब आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। सर, अपनी तरफ से प्रदेशवासियों को क्या संदेश दें? मैं यही कहना चाहूँगा, सबको दीपावली शुभ हो, और साथ ही साथ सब गर्व का अनुभव करें और पर्यावरण की भी रक्षा करने का काम करें, प्रदूषण पर नियंत्रण रखें। आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से प्रदेश के सभी व्यापारियों को और नागरिकों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। यह पावन पर्व सभी के जीवन में मंगल लेकर के आए, सभी के घर में लक्ष्मी जी का वास हो, सुख समृद्धि बढ़े, ऐसी मंगल कामना के साथ सभी को पुनः उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। के माध्यम से मैं दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ और पूरे देश की जनता को शुभकामनाएं देती हूँ, और खासकर मैं इस देश की आधी आबादी को जरूर शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि माँ लक्ष्मी की पूजा होती है दिवाली के दिन, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है हमारे घर में, वैसे ही जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बेटियों की पूजा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों की पूजा करते हैं, वैसे ही हम अपने घर में आई हुई बेटियों की ज़रूर पूजा करें, उनको खूब प्यार से रखें, और माँ लक्ष्मी की जैसे हम पूजा करके उनको सजोते हैं अपने घर में, वैसे ही हम बेटियों को भी सजोएं। आप सबको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का शुभ अवसर है, इस अवसर पर कांग्रेस की तरफ से आप प्रदेशवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दिवाली के साथ साथ अपने देशवासियों को धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज और छठ की अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से, माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल जी, माननीय प्रियंका जी, और हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष पीसीसी के माननीय ब्रजलाल खाबरी जी, हमारे साथ बैठे माननीय नकुल जी प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री, हमारे दूसरे प्रांतीय अध्यक्ष के साथ साथ सारे पीसीसी की तरफ से देशवासियों को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं पेश करता हूं। चैनल देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।